लगे। एटीएम कार्ड का उपयोग करके इंटरनेट बैंकिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें? अब आप बगैर ब्रांच जाए इंटरनेट बैंकिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए ब्राउजर में https://www.onlinesbi.com ओपन करके पर्सनल बैंकिंग में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि यदि आपने पहले से ही ब्रांच से इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए प्री प्रिंटेड किट लिया हुआ है तो यहाँ से रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको किट में दिए हुए यूजर नेम और पासवर्ड से ही लॉगिन करना होगा। और यदि आपने बैंक से प्री प्रिंटेड किट इश्यू नहीं करवाया है और आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप बगैर बैंक जाए इस ऑप्शन की सहायता से इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए ओके पर क्लिक करें। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालें, यहाँ पर CIF नंबर डालें। ये दोनों आपको अपनी पासबुक में या अपने अकाउंट स्टेटमेंट में मिल जाएंगे। यहाँ पर ब्रांच कोड डालें, ये आपको अपनी पासबुक में मिल जाएगा। ब्रांच कोड IFS कोड के ही आखिरी के 5 डिजिट्स होते हैं और यदि आप चाहें तो गेट ब्रांच नेम ऑप्शन की सहायता से भी अपना ब्रांच कोड ढूंढ सकते हैं। यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करें। यहाँ पर अपना बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें। फैसिलिटी रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू की सहायता से ट्रांजैक्शन राइट्स चुनें। यहाँ 3 ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। व्यू राइट्स, इसका मतलब है आप सिर्फ अकाउंट स्टेटमेंट देख सकेंगे और उसका प्रिंट ले सकेंगे पर ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स का मतलब है आप सिर्फ अपने ही किसी अन्य अकाउंट में जो सेम CIF नंबर के अंतर्गत ओपन हुए हों उनमें फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। फुल ट्रांजैक्शन राइट्स का मतलब ये है कि आप SBI की सभी ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हम व्यू राइट्स चुन रहे हैं। यदि आपने फैसिलिटी रिक्वायर्ड में व्यू राइट्स चुन लिया है तो भी आप भविष्य में अपग्रेड एक्सेस लेवल की सहायता से उसे लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स या फुल ट्रांजैक्शन राइट्स में बदल सकते हैं। अब यहाँ दिख रही इमेज में जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें यहाँ पर टाइप कर दें और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे यहाँ टाइप करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करें। यहाँ पर आई हैव माई ATM कार्ड ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यदि आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन आई डू नॉट हैव माई ATM कार्ड चुन सकते हैं और इसके पश्चात ब्रांच जाकर इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चूंकि हमारे पास ATM कार्ड है इसलिए हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पूछी गई ATM कार्ड की डिटेल्स देना है। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड नंबर डालें, यहाँ कार्ड की एक्सपायरी डेट डालें, कार्ड होल्डर्स नेम में जिस व्यक्ति का कार्ड है उसका नाम डालें, यहाँ पर ATM का पिन डालें और यहाँ दिख रहे कैरेक्टर को टाइप करके प्रोसीड पर क्लिक करें। ये देखिए इंटरनेट बैंकिंग के लिए यहाँ पर टेम्पररी यूजर नेम आ गया है, इसे नोट कर लें। यहाँ पर आपको टेम्पररी लॉगिन पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखें। ये कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। पासवर्ड में अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है उसे कंफर्म करने के लिए यहाँ पर दोबारा टाइप करें। अब सबमिट पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया है कि आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए हैं। साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी टेम्पररी यूजर नेम SMS द्वारा प्राप्त हो जाएगा। अब आप टेम्पररी यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से पहली बार लॉग इन करके अपना यूजर नेम, लॉग इन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड बना सकते हैं। लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और शेयर करंतु।